गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री लेसन टू में इज मैटर अराउंड अस प्योर में पार्ट सिक्स बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय में मिलती रहेगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। आज बताने जा रहा हूँ सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या है? द सस्पेंशन द सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सीन। द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन, जिनमें हमें सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई देता है वह सस्पेंशन होता है। जैसे वाटर प्लस चाक का मिक्सचर जो होगा वह सस्पेंशन होगा, क्योंकि चाक पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। वाटर प्लस सॉयल का भी मिक्सचर सॉयल पार्टिकल्स में दिखाई देते हैं, ये भी सस्पेंशन होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होती है जो कि एसिडिटी होने पर हम लोग लेते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब भी हम लेते हैं ये दवा, हम हिला कर लेते हैं, क्योंकि ये सस्पेंशन है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हमको शेक करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। शेक करने के बाद ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, ये भी एक सस्पेंशन है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सस्पेंशन का। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। यह हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इसके जो सॉलिड के पार्टिकल साइज होते हैं ये 1 nm से ग्रेटर होते हैं, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1 nm। nm इज नैनोमीटर, ये 1 nm से बड़े होते हैं। अगर हम इसे फिल्टर पेपर से पास कराते हैं तो यह पास सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं, फिल्टर पेपर बच जाते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर इस सॉल्यूशन को, जैसे चाक और वाटर के जो सॉल्यूशन है, जो सस्पेंशन है, उस सस्पेंशन को अगर हम फिल्टर पेपर पर से गुजारें छाने, तो ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स यानी चाक पाउडर बच जाता है और नीचे जो है कि वाटर चला जाता है। इसका मतलब है कि यह फिल्टर पेपर से पास कराने पर पास नहीं होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर पर यह बच जाता है। नेक्स्ट है, अगर अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देते हैं तो ये चाक पार्टिकल्स यानी सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम व्हेन वी
लेफ्ट इन अनडिस्टर्ब पोजिशन। जब इसे हम अनडिस्टर्ब पोजिशन में छोड़ देते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। यह ट्रू सॉल्यूशन की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह ट्रांसल्यूसेंट नहीं होता है, यह ओपाक होता है। इट इज ओपाक सॉल्यूशन, इट इज ओपाक, ओपाक जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी चीज ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, इट शो द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करता है। इट मींस इट क्यों क्यों टिंडल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज जो है बड़े होते हैं, 1 nm से ग्रेटर होते हैं, इसलिए केवल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, बाकी कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इट शो द टिंडल इफेक्ट, यानी कि इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू द सस्पेंशन। जब सस्पेंशन से हम बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो ये स्कैटर कर देता है, इसको स्कैटरिंग हो जाती है उसमें, यानी यह टिंडल इफेक्ट शो करने लगता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, करैक्टरिस्टिक्स हो गई सस्पेंशन की, कि इट इज हेटरोजीनियस मिक्सचर, यह हेटरोजीनियस मिक्सचर है। सॉलिड पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1 nm, 1 nm से ग्रेटर होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, एंड सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, सम टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। इट इज ओपाक, ओपाक होता है, एंड इट शो द टिंडल इफेक्ट, यह टिंडल इफेक्ट शो करता है।